वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे। रास्ते में ब्रेक डाउन है, कस्टमर का कंप्लेन है कि गाड़ी मतलब बंद हुई है, तो उसमें डिस्प्ले में लाइट बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो चलते हैं और देखते हैं, क्योंकि यहाँ से 20-22 किलोमीटर है गाड़ी, और मुझे कस्टमर बुला रहा है कि आके देख लीजिए जरा, क्योंकि उनका अर्जेंट माल है और अभी कुछ टाइम हो रहा है, 10 बज रहा है रात। ठीक है, तो चलते हैं और गाड़ी में क्या है प्रॉब्लम। ठीक है, तो एंड तक बने रहें और बताने की मैं कोशिश करूंगा। चैनल बने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, तो ये हमारी गाड़ी है, इससे निकलेंगे। अच्छा है, तो देख सकते हैं 11-09 है, अपना BS4 है। तो ड्राइवर साहब से पूछेंगे गाड़ी में क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा था। ठीक है, तो गाड़ी में क्या तकलीफ थी आपकी? क्या मिस्टर साहब, वो गाड़ी कागज लिया, कागज लेके आया, खिड़की खोली और गाड़ी स्टार्ट किया, तो एक बार तो स्टार्ट हो गई। अच्छा, इसके बाद फिर स्टार्ट नहीं हुई। हाँ, तो काफ़ी जो हमारा प्रयास था वो तो हमने काफ़ी कर लिया। अच्छा, जब नहीं हुआ तो फिर आपको फ़ोन लगाया। अच्छा, फिर आप कुछ बताया तो मेरी समझ में आया नहीं, मेरे इसलिए हमने कहा चलो मैं आपको बुला लेता हूँ। तो अभी मतलब डिस्प्ले में लाइट नहीं आ रहा? कहीं नहीं आ रहा, ना डिस्प्ले में आ रही, ना पार्किंग आ रही, जो पंखा लगा है उस पर भी नहीं आ रही। अच्छा, गाड़ी में GPS वीपीएस लगा हुआ? नहीं, GPS नहीं। चलेगा तो देखते हैं। चाबी ऑन किया मगर डिस्प्ले में कोई लाइट नहीं आ रहा। ठीक है, देख सकते हैं चाबी ऑन है और डिस्प्ले में बिल्कुल लाइट नहीं है। तो सबसे पहले इसका एक फ्यूज आता है, मेन फ्यूज, वो देख लेंगे। खोलो ज़रा इसको, तो यहाँ पे मेन फ्यूज लगा हुआ है। गाड़ी का कभी भी अगर ऐसा प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले अपने को मेन फ्यूज देखना है, कैसा है नहीं है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं इसमें पहले से भी फ्यूज बना के लगाया हुआ है, पर फ्यूज मुझे सही लग रहा है। ठीक है, इसका मेन लाइन चेक करेंगे और ये 80 एम्पियर का फ्यूज है, वो भी सही है। ठीक है, यहाँ भी सही लग रहा है मुझे, मगर देख लेते हैं सप्लाई क्या है। अभी यहाँ पे मेन लाइन आ रहा है। ठीक है, ये मेन लाइन हो गया आपका, जो बैटरी से डायरेक्ट लाइन आता है। ठीक है, अब ये फ्यूज थ्रू यहाँ पे आएगा, ये वाले में, तो ये फ्यूज से यहाँ करंट आ रहा है। और एक ये वायर है, तो इसमें भी देख लेते हैं, इसमें करंट अपना देख सकते हैं नहीं आ रहा। ठीक है, सबसे बड़ा पॉइंट, तो इसको देखते हैं फ्यूज को क्या हाल चाल है। तो फ्यूज जो है अपना उड़ा हुआ है, यहाँ से सही से सप्लाई इसमें नहीं आ पा रहा है। देखेंगे, इसमें आ रहा है पर इसमें नहीं आएगा, क्योंकि फ्यूज से यहाँ पे जाएगा और ये फ्यूज थोड़ा जॉइंटिंग सिस्टम पे है। तो इसमें सबसे पहले अपन दूसरा एक नया फ्यूज डालेंगे, फिर देखेंगे यहाँ करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ करंट नहीं आ रहा है सबसे बड़ी बात। एक फ्यूज निकालते हैं, फ्यूज कहाँ है भाई अपने पास है? इसको भी मैं निकाल दूंगा यहाँ से तो बंद हो जाएगा, जो मैंने अलग से लगाया है, देख सकते हैं निकाल दिया तो बंद हो गया। और ये फ्यूज नया वायर फ्यूज लगा हुआ, फिर भी कनेक्शन नहीं पास हो रहा है। तो सॉकेट निकाल के देखेंगे सॉकेट में क्या प्रॉब्लम है। तो ये बहुत बारीकी बीमारी है, अगर रास्ते में ऐसा कभी भी हो तो सबसे पहले इस पर आपको फोकस करना है। तो इसको मैं निकाल के देख ही लेता हूँ, मेरे को तो लग रहा है जहाँ तक कि जल गया है, जलने के कारण लूज कॉन्टेक्ट है। और छोटी सी बीमारी के कारण जो इनको प्रॉब्लम ज़्यादा ही दिख रहा था, क्योंकि इनको जाना भी था काफ़ी दूर। देख सकते हैं ये जल के लूज कॉन्टेक्ट, इसके कारण से जो है करंट पकड़ नहीं रहा था बराबर, और गाड़ी स्टार्ट हुई थी इनकी और बंद हो गई थी, तो काफ़ी परेशान हुए। ठीक है, तो मैंने तो अभी सॉकेट वॉकेट लाया नहीं है, जो एक सॉकेट का वायरिंग आता है, नहीं तो सॉकेट रहता तो मैं लगा देता। तो इसके लिए मुझे लाइन डायरेक्ट करना पड़ेगा, फिर गाड़ी गैरेज पर आएगी हमारे, या फिर कभी कहीं गए तो डालवा देंगे। ठीक है, इसको मुझे डायरेक्ट ही करना पड़ेगा, नहीं तो चलेगा नहीं। तो इसको फ़िलहाल हल्का सा टाइट करते हैं और फिर बैठा देते हैं, ये पकड़ से हल्का सा टाइट कर लेते हैं, क्योंकि ये लूज कॉन्टेक्ट के कारण हुआ है जो भी बीमारी है। लूज कॉन्टेक्ट रहेगा तो क्या है, फ्यूज जल जाता है,
अगर यही वायरिंग शॉर्ट रहता तो फ्यूज उड़ जाता या तो फिर वायरिंग जल जाता, पर ये लूज कॉन्टेक्ट के कारण जो है जला है। ऐसा है, बहुत बारीकी बीमारी मगर काफ़ी परेशानी। ऐसा है, एक छोटा सा बीमारी के कारण इनको रात भर यहाँ पे ब्रेकडाउन में खड़ा होना पड़ता। ऐसा है, तो इसको लगा लेते हैं पहले। देख सकते इसको मैंने भी बैठा दिया, अभी ये फ्यूज निकाल रहा हूँ तो लाइट बंद हो गया, 4 पॉइंट सिग्नल। वापस लगाया, लाइट चालू। और इसको भी देख सकते हैं, वायर लपेटा, वायर डाला है किसी ने, पर ये फ्यूज उड़ा नहीं है। ठीक है, तो इसको निकाल देते हैं, नहीं तो क्या ज़्यादा हैवी हो जाएगा। ऐसा है, इसको भी थोड़ा टाइट कर लेते हैं। इसको लगा के लेते हैं। बहुत बारीक बीमारी थी, इसको टेपिंग कर लेते हैं। टेपिंग करके अच्छे से, क्योंकि कभी भी ये लाइन अगर शॉर्ट सर्किट हो या कुछ भी हो तो कुछ कारण से ही कुछ लाइन बंद होता है। ठीक है, तो कभी भी इस चीज़ को डायरेक्ट नहीं करना। डायरेक्ट करने से क्या होता है कि अगर गाड़ी का वायरिंग कहीं शॉर्ट सर्किट होगा तो ये खांचे में देख के बैठाना है, ऐसे बैठा देना है। शॉर्ट सर्किट होता है तो कैसा फ्यूज उड़ जाता है, और ऐसे डायरेक्ट लाइन रहेगा तो फिर क्या होता है, वायरिंग जल जाएगा। ये सिस्टम पे अगर गाड़ी रहेगी तो वायरिंग कभी जलेगा नहीं गाड़ी का। तो कभी भी कंपनी के रूल पे ही काम करना है। ठीक है, और वापस एक बार देखेंगे गाड़ी को स्टार्ट करके, स्टार्ट होती है क्या, क्योंकि पहले तो लाइन ही नहीं आ रहा था बिल्कुल। तो ऐसा कभी भी हो तो सबसे पहले गाड़ी का मेन स्विच चेक करें। सबसे पहले मेन फ्यूज होता है और बैटरी के पास भी रहता है। वापस स्टार्ट, चाबी बंद करेंगे, बंद किया और वापस 4 पॉइंट सिग्नल इसका बंद कर देते हैं। चाबी ऑन किया, देख सकते हैं डिस्प्ले में लाइट आ गया। ठीक है, और स्टार्ट मारेंगे, गाड़ी स्टार्ट हो गई। ये देख सकते हैं बैटरी का लाइट बंद हो गया और इसमें ऑयल बत्ती जल रहा है। तो ऑयल बत्ती जल रहा है तो इसमें कहीं वायर कहीं निकल के चिपक गया रहेगा बॉडी में कहीं पे, या तो फिर देख सकते हैं अभी ऑयल बत्ती भी बंद हो गया, क्योंकि उस्ताद जी को कुछ में टेक्निक था इसके लिए, इनके हल्का सा चाबी बंद किया, चालू किया तो लाइट बंद हो गई। गाड़ी रेस भी फर्स्ट क्लास हो रही है। ठीक है, तो अभी उस्ताद जी से पूछ लेते हैं, और उस्ताद जी को भी बोलते हैं गाड़ी स्टार्ट करो, बंद करके जरा चालू करो, आप लाइट उठ चालू करो, हेडलाइट गाड़ी का मारो डिपर। ठीक है, रेस करो गाड़ी, बंद कर दो, वापस स्टार्ट मार के देखो एक बार, ये ना चलेगा, बंद कर दो। तो उस्ताद जी भी कैसा है बता सकते हैं आप? नंबर एक काम हुआ भाई, एक नंबर सही है ना भी? हाँ, नहीं सारी रात यहीं पड़े रहते। जाना कहाँ था आपको? जयपुर। जयपुर, अच्छा अच्छा तो इनकी कैसा गाड़ी भर के रेडी थी निकलने के लिए, ट्रांसपोर्ट में लगी हुई थी गाड़ी जयपुर गोल्डन। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए अगले वीडियो मिलेंगे, धन्यवाद।